सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारी एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो में। ये एपिसोड 8 है। अगर आपने अभी तक के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से उनको चेकआउट कर लेना। इस वाले गेम प्ले में मैंने ना आज के दिन एक मॉब का एक्सपी फार्म बनाया है, तो देखते हैं कैसा वर्क करता है। क्या मालूम करता भी है कि नहीं वर्क। यहाँ पर बहुत सारे मेरे को वुड में से कलेक्ट करना ही था, तो मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मैं तोता दिख गया है, तो मेरा पहला वेट यहाँ पर टाइम हो चुका है। देखते हैं ये पीछे मेरे आता है कि नहीं। वैसे आना तो चाहिए, लग तो रहा है कि आ रहा है, आ रहा है ये पीछे। तो चले, बाकी अब स्टोन वगैरह भी कलेक्ट करने हैं तो उसको कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा जो एक सस्ता सा अपना स्टोन फार्म बनाया था, तो मैं इसको मेरे को थोड़ा मतलब बाहर तक आता है क्योंकि ये बनने में बहुत टाइम लगा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक पिस्टन रखता हूँ और यहाँ पर एक रेडस्टोन का ब्लॉक रख देता हूँ। और फिर ये जो क्राफ्टिंग टेबल है इसके पास वाली, अरे पहले तो लावा रख देते हैं। ये बन गया, हाँ बन गया। तो अब यहाँ पर इसको पैक कर देते हैं लावा को ऊपर से। ये मैंने कर दिया है। अभी क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर से माइन कर लेते हैं। आगे क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास में, यहाँ पर इससे यहाँ पर रेडस्टोन से कनेक्ट करना है। तो ये एक, ये दो। अरे यार, यहाँ पर स्टिकी पिस्टन आएगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर स्लाइम की बॉल बड़ी है, तो यहाँ पर ले चलते इसको। ये पिस्टन को यहाँ से माइन करते हैं और इसी पिस्टन से हम स्टिकी पिस्टन बना के हमने नीचे इन्वेंटरी में ले लेता हूँ और यहीं पर ही लगा देते हैं। अब रेडस्टोन से वापस से इसको ऑन कर देते हैं। अब वापस से इसको बंद करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अरे हाँ चलो, अब ये बाहर बनते जाएगा। ये देखो बनते जा रहा है। अब यहाँ से जो फालतू का रेडस्टोन है उसको वापस से कलेक्ट कर लेते हैं। बस चार मतलब दो में काम हो गया। चलो दिन कर लिया हमने। अब इतने स्टोन हो गए हैं तो अब इनको फटाफट से माइन कर लेते हैं। बहुत टाइम लगेगा अरे बाबा इसमें, आपको इतना दिखाऊंगा भी नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो बहुत सारे स्टोन मैंने माइन कर लिए हैं और यहाँ पर ये मेरे को जगह अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पर ना इसको प्लान कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छा दिखना चाहिए। A few inches later. तो देखो मैंने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी जगह को प्लान कर दिया है। आप यहाँ तक दूर दूर तक नज़र डालो, मतलब इधर उधर नहीं, बस पीछे में रहे। तो देखो वहाँ पर से बनाना शुरू करना है। ये पूरा मेरा सामान है बनाने के लिए, तो यहाँ से मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर चार ब्लॉक यहाँ पर मैं माइन कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चेस्ट और हॉपर निकाल लेता हूँ नीचे की तरफ। चेस्ट लगाते हैं यहाँ पर, अब क्राउच होके हॉपर लगा देते हैं। यहाँ पर ये लगाया। आपने ट्यूटोरियल तो देखा ही है सबने कि कैसे बनता है। यहाँ पर मैं एक स्लैब रख देता हूँ। यहाँ पर वैसे चार स्लैब आएंगे, लेकिन ऊपर नीचे उतरने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि आपने वैसे भी ट्यूटोरियल देखा ही रखा है, तो इतना मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, नहीं बताऊँगा इतना तो मैं कि बनाते हुए चुटकियों में बन जाएगा, देखना अभी है ना। ये बजे मैंने चुटकी, ये बन गया हमारा मॉब फार्म। अरे यार सही है, भी एक चुटकी में काम हो गया। आपके लिए चुटकी में काम हो जाएगा, मेरे को बहुत मेहनत लगी है। यहाँ पर ये मॉब को मैंने मार दिया है। आज एक ज़ॉम्बी आया था, एक और ज़ॉम्बी आ गया, इसको मार दिया था। मेरे को नहीं लगता कि वो ढंग से एक्सपी दे रहा है। ये क्या मतलब, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है यार। वापिस से बनाना पड़ेगा क्या, कि दूसरा कुछ करेंगे एक्सपी का अपन जुगाड़ अगली वीडियो में पक्का करूँगा, है ना। तो मेरी मेहनत तो यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो मेरे को सोच रहा है कि यहाँ पर गोल्ड फार्म बनाया जाता है, क्योंकि उसमें एक्सपी बहुत अच्छी मिलेगी और गोल्ड का तो अपना पूरा जुगाड़ हो जाएगा, है ना। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। अगली वीडियो में हम पक्का कुछ अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।